आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अंग्रेजी का एक जुमला है, इट्स ऑल इन द माइंड, यानी दिमाग में ही सब कुछ है। दिमाग चाहे तो हमें सशक्त बना सकता है और दिमाग चाहे तो हमें किसी का गुलाम बना सकता है। इस विचार से हम समझते हैं कि हमारे शरीर में सबसे शक्तिशाली हिस्सा है तो वो हमारा दिमाग है। लेकिन यही दिमाग अनियंत्रित होने की स्थिति में हमें गर्त में भी पहुँचा सकता है। क्या होगा अगर ये दिमाग ही हमारे खिलाफ काम करने लग जाए, या हमें एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जिससे हमारा कोई नाता ही ना हो? और क्या होगा अगर ये स्थिति आपके किसी काल्पनिक रोग से जुड़ जाए? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कमर दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द या ऐसे ही किसी शारीरिक दर्द से तड़प रहे हों, लेकिन जब आप डॉक्टर से इलाज करवाने पहुँचते हैं तो वो किसी भी शारीरिक समस्या से इनकार कर देता है? आप डॉक्टर बदलते रहते हैं लेकिन दर्द से निजात नहीं मिलता। दरअसल इसकी वजह है आपका दिमाग। जब शरीर को बाहरी या अंदरूनी रूप से कोई तकलीफ होती है तो दिमाग हमें दर्द महसूस करवाता है, लेकिन इसी दिमाग का एक ऐसा हिस्सा भी है जो बिना किसी शारीरिक समस्या के भी आपको दर्द महसूस करवा सकता है, और इसे ही साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ दिमाग में होती है और आपके शरीर पर असर डालती है। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, आज इसी विषय पर आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। नमस्कार, ज्ञान ध्यान के इस नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम है खुशबू। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जो शारीरिक लक्षण दर्शाती है, लेकिन इसके कारण साइकोलॉजिकल होते हैं। ये दो शब्दों से बना है, साइको और सोमा। साइको मतलब हमारा मानसिक स्वास्थ्य है और सोमा से मतलब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। जब मानसिक तनाव शारीरिक लक्षणों का रूप लेने लगे तो उसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि ऐसी बीमारी जो सिर्फ आपके दिमाग में हो लेकिन इसका असर आपके शरीर पर पड़ने लगता है। लेकिन पेंच वहाँ फंस जाता है जब आप इसे शारीरिक बीमारी समझकर अपनी फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं और कोई बीमारी सामने नहीं आती है, तब आप समझ नहीं पाते कि आपके साथ हो क्या रहा है। ऐसे में आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये भी उठता है कि हमारा दिमाग ऐसी स्थिति में पहुंचता ही क्यों है जो हमें एक मानसिक बीमारी दे और जिसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ने लगे। देखिए, दिमाग ऐसी स्थिति में तब पहुंचता है जब इंसान डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, या बचपन में किसी प्रकार का आघात जो अब तक सताता हो। क्योंकि डिप्रेशन, चिंता केवल व्यक्ति के मन पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी असर डालता है। डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति का मन और दिमाग नेगेटिविटी, चिंता, तनाव और उदासी से घिर जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो धीरे धीरे खोखला होने लगता है। क्योंकि यह एक मानसिक रोग है इसलिए इसमें रोगी को देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर लक्षणों पर गौर करें तो इसका पता चल सकता है। यह जीवन के उतार चढ़ाव और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामने आने वाली चुनौतियों से अलग होता है और यह भयंकर रूप तब ले लेता है जब यह लंबे समय तक रहते हुए एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति बन जाता है। और इस डिप्रेशन की वजह से लोग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर डिप्रेशन की वजह से सेरोटोनिन और न्यूरोपेरिफेरिन नामक हार्मोन के रिलीज में रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग को संकेत जाता है कि शरीर में दर्द है और आपका मूड खराब रहता है और मानसिक स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। ऐसे में आपको मांसपेशियों में, जोड़ों में और पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। जब शरीर में ऐसी असहज स्थिति पैदा हो जाती है तब दर्द बढ़ता चला जाता है और हम दिन पर दिन डिप्रेशन के हाथों हारते चले जाते हैं। डिप्रेशन से होने वाले इसी दर्द को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि डिप्रेशन के अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डिसऑर्डर का कारण बनते हैं। इस मामले पर डॉक्टर रचना खन्ना सिंह, जो आर्टेमाइस हॉस्पिटल गुड़गांव में होलिस्टिक मेडिसिन एंड मेंटल वेलनेस की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्हें सुनिए वो क्या कहती हैं। जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं बहुत कॉमन हैं। बहुत बार ऐसे हमें कुछ परेशानियां होती हैं या प्रॉब्लम्स या डिजीजेस होती हैं जो कि साइकोसोमेटिक मानी जाती हैं। यानी क्या होता है कि अगर हम कुछ बॉडीली सिम्टम्स के साथ
अपने आप को प्रेजेंट करती हैं और हम वही सिम्टम्स लेके फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है, और सारी जांच पड़ताल करने में पता चलता है दैट यूजुअली ये बॉडी से रिलेटेड नहीं है कुछ भी, या बॉडी की कोई मैल फंक्शनिंग या ऐसा नहीं है कि बॉडी का कुछ काम नहीं ढंग से हो रहा है इस वजह से, नहीं, ये माइंड से रिलेटेड होती है। तो अक्सर जैसे क्रॉनिक पेन्स एक्स हैं, फाइब्रोमायल्जिया है, कभी आपने देखा होगा लोगों को सिर दर्द रहती है बहुत देर तक, कभी देखा होगा कुछ बैक एक्स हो जाते हैं लोगों को, इस तरीके की जो बहुत सारी बीमारियां हैं, और ये अगर हम इसकी जड़ पे जाएं तो अगर हम हेडेक्स के साथ या एक्स एंड पेन्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन सब कुछ कराने के बाद पता चलता है कि शायद इसका कारण माइंड से है या तनाव से है। कभी कभी जब बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस चल रहा होता है, लंबे दौर से अगर हम कोई स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं तो, या फिर बहुत सडन सीवियर स्ट्रेस भी होता है तो भी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स या साइकोसोमैटिक एलिमेंट्स हो सकती हैं। हमेशा ही इंक्रीज स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस यानी कि तनाव यानी कि टेंशन। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी इंसान है जिसने कभी तनाव को महसूस नहीं किया होगा। एक दिन में हमारे बहुत बार तनाव के स्तर ऊपर और नीचे आते जाते हैं। सो जब तनाव, जैसे मैंने कि कहा, या तो स्ट्रेस क्रॉनिक है, मतलब हम बहुत महीनों से सालों से कुछ क्रॉनिक स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी और माइंड जो है हमारा एक इलास्टिक बैंड की तरह है, खींचते जाएंगे, कहीं ना कहीं एक स्नैपिंग पॉइंट आ जाता है। तो वो जब स्नैपिंग पॉइंट्स आते हैं तो फिर वो एक बॉडीली इलनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो तब ऐसा होता है। आपको याद होगा कि कोरोना वायरस के फर्स्ट फेज के दौरान हमारे पास इसकी कोई दवाई नहीं थी। हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करते थे, जैसे बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और मास्क पहनना। हालांकि ये सावधानी हम अभी भी बरतते हैं, लेकिन फर्स्ट फेज के दौरान अगर इन सावधानियों को बरतने के बाद भी हमें सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी वायरल बीमारी हो जाती थी तो अक्सर हम इसे कोरोना वायरस समझकर पैनिक कर जाते थे। ये भी एक प्रकार का साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर ही है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर किसी भी बीमारी के बारे में आधी अधूरी जानकारी होने पर होता है। इसमें मरीज किसी भी बीमारी के बारे में इंटरनेट या मैगजीन से जानकारी प्राप्त करके उनका मिलान खुद के लक्षणों से करता है। इसके बाद वह खुद ही अपने आप को बीमार घोषित कर लेता है। कोरोना वायरस के साथ भी हमारा कुछ ऐसा ही संबंध था। इसके बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी और आधी जानकारी हमेशा खतरनाक ही साबित होती है। इस साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का कनेक्शन सिर्फ कोरोना से ही नहीं है, ये किसी भी बीमारी के साथ जुड़ सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर किसी को घबराहट हो रही है तो उसे लग रहा है उसका बीपी कम हो गया है और वो इस बारे में इतना सोच रहा है कि उसे थकान महसूस होने लगती है, सिर दर्द करने लगा। यानी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में किसी इंसान को बीमारी होती नहीं है, लेकिन व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि उससे वो बीमारी हो गई है और इसी चिंता में वो अपना शरीर गलाते चला जाता है। अब साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से बचने के लिए किसी इंसान को क्या एहतियात बरतने चाहिए, वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव कर सकता है, इस पर हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर रचना खन्ना सिंह को सुनिए। सबसे पहली चीज है कि तनाव के स्तर को कम रखना, यानी टेंशन के लेवल को कम रखना। अब ये बहुत तरीके हैं जिससे हम टेंशन के लेवल को कम रख सकते हैं। एक तो ये है यानी कि हम उससे जूझना बेहतर तरीके से सीख ले, ठीक है। और दूसरा हमारा जो तरीका हो जाता है कि एक तो स्ट्रेस लेवल, हम अपना कोपिंग स्किल्स जो है, जिसे हम कहते हैं, अब स्ट्रेस के जो कोपिंग स्किल्स है, हम उसके ऊपर अपने आप को उसको बढ़ाएं, यानी अपने नर्वस सिस्टम को भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करें ताकि जब भी स्ट्रेस आएगा, क्योंकि देखिए स्ट्रेस तो कभी भी आ सकता है, किसी भी मोड पे कहीं पे भी हम खड़े हों, तनाव अचानक से कहीं पे भी आ सकता है। आप अभी फोन उठाएं, हो सकता है कुछ ऐसा मैसेज आ गया हो जो बिल्कुल, जिससे आपके तनाव के स्तर एकदम बढ़ जाए। तो हमको क्या करना है, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो स्ट्रेस जब आए भी तो हमारा कोपिंग अच्छा होना चाहिए ताकि हम अचानक से वो बैठ ना जाए नर्वस सिस्टम, या माइंड एकदम बैठ ना जाए। सो कुछ तरीके क्या है, एक चीज सबसे जरूरी चीज, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। जिसका बॉडी हेल्दी है उसका माइंड भी हेल्दी होगा, जिसका माइंड हेल्दी है उसकी बॉडी भी हेल्दी होगी, अब कोई दूर आए है ही नहीं करते हैं, राइट। दूसरा हमारे पास आ गया आपका प्राणायाम। प्राणायाम तो इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मेथड। एक तो आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, लंग्स को स्ट्रांग करता है,
दूसरा आपके थाइमस ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, जिससे आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं रिलीज होते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो मेंटल इम्यूनिटी भी बढ़ती है हमारी जब फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ती है। और तीसरा हमको है आपकी माइंडफुलनेस, कुछ माइंडफुलनेस, कुछ मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, थोड़ी मेडिटेशन, थोड़ा ध्यान लगाना, चांटिंग, प्रेइंग, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। इस मामले पर विशेषज्ञ भी कहते हैं कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से बचने के लिए बेवजह ज्यादा ना सोचें, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो अपने काम को मन लगाकर करें। अलग अलग बीमारियों के कई बार एक जैसे ही लक्षण होते हैं, इसीलिए किसी भी गंभीर बीमारी को कोरिलेट ना करें। अगर कोई बड़ी बीमारी जैसे लक्षण है तो डॉक्टर को दिखाएं, बेवजह खुद डॉक्टर बनकर किसी नतीजे पर ना पहुंचे। लेकिन इसके लिए जरूरी है पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों का होना। अब साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के गंभीर रूप में साइकैट्रिस्ट के पास जाना जरूरी हो जाता है, लेकिन क्या भारत में साइकैट्रिस्ट की पर्याप्त संख्या है? हेल्थ जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि साल 2017 में हर 7 में से एक भारतीय किसी न किसी तरह के मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा था। रिपोर्ट के अनुसार 3 साल पहले भारत में 19 करोड़ से ज़्यादा लोग किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी के शिकार थे। मरीजों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भारत में मनोचिकित्सकों और साइकैट्री अस्पतालों की भारी कमी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार साल 2014-16 तक भारत में 1 लाख लोगों की आबादी के लिए 0.8 साइकैट्रिस्ट थे, यानी एक से भी कम। WHO के मानकों के अनुसार ये संख्या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार ऐसा मानते हैं कि डॉक्टरों और अस्पतालों की संख्या बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरत इच्छा शक्ति बढ़ाने की है। तो आज के ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में आपने जाना कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर क्या है और इसके लक्षण और इलाज क्या हो सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी समझ इस विषय पर ज़रूर बढ़ी होगी। कोई और विषय जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया था हमारी सहयोगी सौम्या श्री ने। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह, सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। यह हमारा ईमेल पता है। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, JioSaavn, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।